सबसे पहला बकरा मेरा फार्म पे आने वाला यही था। और यही बकरा आने के बाद में लोगों ने बोले थे वहाँ पर। हाँ, वो भाई मैं भी नहीं बोल सकता एक्चुअली, पहले ये कुछ और था। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पर कुछ हो गया, बकरे को मैंने चेंज कर दिया था ये। हाँ, उस टाइम जब आया था, और ये ऐसा था ही नहीं। मीन्स मैं तो पहले इसको जब देखा तो मैं यकीन ही नहीं किया कि ये अर्थगुल्ला। और इसके अंदर बीच में क्या दिक्कत आई थी, कितने टाइम बीमार हुआ था, कितने टाइम क्या हुआ तो मेरे को भी बता। तो क्या बोलती है पब्लिक, आज हमारे साथ में है आरिफ भाई, जिनके हमारे पास 3 अंडू और 3 खस्सी है। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट बन रही है कि अंडू की पलाई का रिजल्ट क्या है आर के गोट फार्म का, और कभी बकरे आए थे हमारे पास, पूरी डिटेलिंग में उनसे ही आरिफ भाई से ही डायरेक्ट पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम भाई। और क्या कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई, ये बकरे से स्टार्ट होते हैं अपन, तो ये बकरा का नाम क्या है भाई? ये अपना बिग बुल। बिग बुल, बिग बुल। हाँ, बिग बुल इसके लिए इसका नाम है भाई, क्योंकि इसकी सींग जो है ना हॉर्न बराबर सेम वही सेम बुल टाइप जी भाई। तो ये अपने पास कभी दिए थे आपने भाई? ये दे के मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीना हो गया रहेगा। 4 महीना, 4 से 4.5 महीना, 4.5 या 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना पकड़ लो, 5 महीना हो गया। और क्या वजन पे आया था ये? आया था भाई 54 पे। 54। और अभी ये है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 82 या 83 केजी पे। 4 दिन पहले वजन तो अभी 82 और 83 केजी के वजन के ऊपर है बकरा। और इसके अंदर बीच में क्या दिक्कत आई थी, कितने टाइम बीमार हुआ था, कितने टाइम क्या हुआ तो मेरे को भी बताना था। एक्चुअली 2 महीना स्टार्टिंग में तो ठीक था, फिर अचानक इसको सडनली पैरालाइज हो गया था। और जो कि मैं देखा था वीडियो भाई, खड़े नहीं हो पा रहा था और कुछ खा रहा नहीं था। एक्चुअली ऑलमोस्ट वो टाइम मैं खुद उम्मीद छोड़ दिया था इस पे, बट आपने मेरी उम्मीद बनाए, आपने अल्लाह ताला ने बनाया, हम लोग ने मेहनत नहीं, बट जरिया आप थे ना भाई, आपकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह भाई बकरा आज खड़ा है। और भाई बहुत बोले ना, मैं इतना मतलब आज फर्स्ट टाइम आपके फार्म पे विजिट किया आपके रहने पे, अल्हम्दुलिल्लाह भाई इतना खुश हुआ ना मैं इसको देख के, जितना मैं कोई बकरे को देख के खुश। नॉर्मली मतलब बकरा आपने जब छोड़े थे और उसके अंदर मतलब वजन का, तो देखो वजन की वैसे भी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ तो, और लिविंग एंड डेथ की नहीं लेता, वो आपको भी पता है, लेकिन चेंजेस क्या है? बहुत चेंज है भाई। क्या है इसकी झालर पट्टी, चेस्ट, बाल, मीन्स मेरे को बकरा इतना पसंद आया ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बोले तो बहुत सेटिस्फाई हो। पहले जब ये बकरा आया था मेरे को सिर्फ इसकी हाइट अच्छी लगी थी, हाइट और हॉर्न्स अच्छा लगा था, बट अभी इसको देखने के बाद ना भाई क्या बोलो तुमको, मैं एकदम बोले ना बहुत खुश हुआ मैं इसको, लाइक बहुत अच्छा माशाल्लाह एक कॉम्पैक्ट बकरा है इसके अंदर, ये बहुत बहुत अच्छा हो गया भाई। वो ये इसकी ये झालर है यहाँ पर जी जी भाई, और ये जो फ्रेम है इसका, फ्रेम ऐसा है कि गोल पेटा नहीं है, पूरा प्रॉपरली एग्जैक्टली बकरे में जैसा निकलना चाहिए ना, तो वैसा पूरा अंडू बकरों में तो पूरा वैसा ही रुबाब है माशाल्लाह। मतलब आप सेटिस्फाइड? बहुत सेटिस्फाइड भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड। इसके बाद में हम लोग अभी दूसरे बकरे पे चलते हैं, और फिर उसके बाद में हमारी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं वो करेंगे। अब ये बकरा है अर्थगुल, इसका नाम क्या है? अर्थगुल है ये, अर्थगुल नाम है, वो है भी वैसा ही है भाई। मैं खुद देखा इसको, ये वीडियो जब स्टार्ट में चलेगी तब पता चलेगा लोगों को क्या कितना। तो ये बकरा मतलब क्या डिटेल पे, और कितना महीने पहले पहुंचे थे आपको? ये भी सेम टाइम पे आया था, उसी के साथ में बुल के साथ आया था ये, और ये भी 58 केजी पे था ये उस टाइम जब आया था। और ये ऐसा था ही नहीं, मीन्स मैं तो पहले इसको जब देखा तो मैं यकीन ही नहीं किया कि ये अर्थगुल है, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन जब आप बोले कि अर्थगुल है तब समझ में आया, ऐसा तो नहीं है मैंने बकरा बंदी कर दिया। अब वो भाई मैं भी नहीं बोल सकता एक्चुअली, पहले ये कुछ और था। हाँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पर कुछ हो गया, बकरे को मैंने चेंज करके दूसरा बकरा लाके दे दिया। तो मतलब अभी क्या वजन पे? अभी ये
ये भी वही ऑलमोस्ट 85-86 कुछ था, 86-87 कुछ था भाई, बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मस्त, बहुत खुशी हुई भाई इसको। मतलब बकरा फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो यकीन ही नहीं किया कि अर्तुगरुल है जो हिसाब से मेरे पास आया था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है, मेहनत है, ये मेरी पूरी टीम है, इनकी मेहनत है। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि मैं एक चेहरा हूँ, मेहनत तो ये लोगों की है, वही है, अल्तमश है, ये पूरे जितने अपने स्टाफ है, निरुद्ध भी है, ये सब लोग, सज्जाद भाई लोग, ये लोग सब है, तो इनकी मेहनत इनके पीछे, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं, मैं तो एक सुपरवाइजिंग करता हूँ, तो वो पूरी इनकी मेहनत है, और उनकी मेहनत अल्लाह ताला, और उनके जरिए अल्लाह ताला हम लोगों को नवाजता है, क्योंकि जितने आदमी लोग रहेंगे उनके नसीब की रोजी रोटी वो लेके आते हैं, और उतने बकरे अच्छे तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिट एंड फाइन, पूरा गुलाबी चमड़ी में भाई। ये इसके बाद में हम लोग अभी तीसरे बकरे ले जाते हैं भाई, मैं तो उधर जाऊंगा ही नहीं। माशाल्लाह, अभी ये बकरे के ऊपर आते हैं, इसका नाम क्या? ये डैडी यंकी, डैडी यंकी, डैडी यंकी। और ये बकरा है ना, मेरे को एक अपने पुराने बकरे की याद दिलाता है, मैं हमेशा जब भी वजन करने निकालता हूँ या जब भी जाता हूँ, मेरा एक बकरा था हजिक करके, सेम लुक लाइक बकरा है, सेम लुक, और मतलब फ्रेम भी वैसा ही बना रहा है माशाल्लाह, और सेम वही है, वही चीज में कॉम्पैक्ट बॉडी और अच्छा चेहरा पट्टी, सेम सेम 19-20 का भी फर्क नहीं है उसके और इसके बीच में। ये बकरे की क्या डिटेल, ये कब आया था अपने पास? ये आपके पास आया था रमजान में, गए रमजान में, सबसे पहला बकरा मेरा फार्म पे आने वाला यही था, और यही बकरा आने के बाद में लोगों ने बोले थे वहाँ पर मत रखो। हाँ, ये चीज भी मेरे को बताना था, एक्चुअली ये बकरा मैं सामने बंदे को बोला था कि भाई आरके पे छोड़ना, सामने वाले ने मेरे को दूसरा सजेस्ट किया, बोले वहाँ नहीं यहाँ भेजो, मतलब नहीं भाई बकरा वहीं भेजो। एक्चुअली सामने वाले ने मेरे को क्या क्या नहीं बोला, ऐसा है मीन्स हमारे यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, बकरे मर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बकरों में कोई केयरिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं। और मतलब जो भी है, जितनी भी है ना, बुराई करना था कर दिए, कोई नहीं है, मैंने रखा यहाँ पर, लेकिन मेरे को आरिफ भाई ने वो टाइम पे नहीं बताए थे, मैं नहीं, हाँ, मैं वो सब भी नहीं बोला था, और आरिफ भाई ने नहीं बताए थे, लेकिन जैसे जैसे 2 महीना हो गया, तो आरिफ भाई ने मेरे को 2 महीने के बाद में बोले, भाई आपकी तो बराबर अपडेट आ रही है और हर चीज आ रही है, आपके यहाँ पर तो रिजल्ट है, लेकिन लोग मेरे को बोल रहे रिजल्ट क्यों नहीं है। और वैसे भी जब इसका आपने मेरे को 1 महीने बाद फर्स्ट वीडियो भेजा, मैं सेटिस्फाई हुआ, 6 किलो फर्स्ट मंथ में गेन हुआ, उसके तुरंत बाद मैंने तुमको बोल अर्तुगरुल ये दो भेजा, और एक बकरा भेजा था, बट वो सडन, हाँ वो तो अचानक उसका तो जो है, देखो इनका एक बकरा हमारे यहाँ पर डेथ हुआ है, वो सडन हुआ है, हाँ, आरिफ भाई उसके गवाह है, हाँ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना के डाला, और इंजेक्शन 3 मिनट में, 3 मिनट में इंजेक्शन मारने का भी वक्त नहीं मिला। तो ये बकरे की क्या मतलब क्या वजन पे आया था? ये आया था भाई 50 kg पे, और अभी क्या वजन है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 80 क्रॉस हो गए, ऑलमोस्ट तीनों बकरे 80 क्रॉस हो गए हैं, और मतलब इसका मेरे को वेट से मतलब नहीं है, जो उसका लुक है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फ्रेम है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बस उसी से हैप्पी हूँ मैं। आप लोगों को देखना एक्चुअली ये बकरे का बिफोर एंड आफ्टर मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हूँ, छोटा सा था, और आने के बाद में फिर उसमें क्या गेनिंग किया, बहुत फास्ट गेन किया, बहुत फास्ट गेन किया, माशाल्लाह बीमार भी हुआ ना, हाँ ये भी बीमार हुआ था, लेकिन वो नॉर्मली जो बीमार आती है ना, बुखार आती है, सर्दी होती है, वो बीमार हुआ, ये पैरालाइज और वो सिम्टम्स पे नहीं आया, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए, किसी के भी जानवर को नहीं होने थे, क्योंकि वो जानवर कमजोर। ये बकरा 2 बार सेल हुआ है, एक बार जब भोपाल से आया था तब सेल हुआ था, और एक बार अभी 2 महीना पहले सेल हुआ था, बट सामने वाले ने सिर्फ मुंह से सेल किया था, मुंह से खरीदा था, अब बस सौदा कैसा रहता है भाई, तुरंत ट्रांसफर वार बकरा। लेकिन आप तो ट्रेडिंग करते नहीं? मैं करता नहीं, वो मोहब्बत में दे, मोहब्बत में बस, मतलब आप में, आप मेरे दोस्त हो, बस आरिफ भाई मेरे को ये बकरा पसंद है तो दे दो, तो बोले ले ले भाई, और वो भी भाई ऐसे रेट में दे रहा था ना, मेरा नुकसान था, सामने वाला बस खास था, कुर्बानी के लिए चाहिए था, मतलब भाई ले। अच्छा, अब वो ऑफर 2 बार दिया एक्चुअली सामने वाले, भाई नहीं लिए, अब ये
अब सीधा घर पे घर पे अब किसी दोस्त को भी नहीं दिया जाएगा। तो ऑल इन वन क्या बोलना चाहोगे हरीफ भाई के गोट फार्म के बारे में? मतलब ये तीनों कस्सी बाद में बताएंगे हम लोग। 4 साल से मैं बकरे फार्म पे दे रहा हूँ। पहला फार्म है जहाँ से मैं खुशी खुशी आया और इंशाल्लाह खुशी खुशी जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों करोड़ों ऐसा नहीं। और उसके अलावा भी हम लोगों के फीडबैक कैसे? बहुत अच्छे बा माशाल्लाह, बिना बोले बिना रिक्वेस्ट किए बिना कुछ किया आप लोग बरोबर अपडेट देते हैं। बकरा बीमार है भाई कॉल आ जाता है, बकरे का वेट हुआ वीडियो आ जाती। 7-8 महीने के पीरियड में मैंने आज तक आपसे ना वीडियो मांगा ना कोई बकरे की अपडेट मांगा। क्यों नहीं मांगा? उसकी वजह यह है मांगने से पहले आप पूरा फॉरवर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोगों का काम है देखो अरे भाई, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। बकरा पालना ये हमारा शौक है, लेकिन आपके बकरे आपके घर पे रहे वैसा दिखाने के लिए तो वो करना पड़ेगा कुछ है। कभी कभार हमारे से डिले होती है, लोग कस्टमर मांगते हैं तो कभी माहौल का मेरे ख्याल से एक टाइम आपने मांगे थे और तभी मैंने बोला था कि बारिश बहुत है मैं वीडियो नहीं दूंगा जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता 10-15 दिन। तभी वो 10-15 दिन के बाद में फिर मैंने वीडियो दिया था। तो वो नॉर्मली एक हम लोगों का चलता है भाई, आप भी बिजी रहते मेरे थोड़ी अकेले लेके। नहीं भाई तो भी आरिफ भाई देखो आप लोगों की तो भी मैं खाली आपको एक बार बोला था भाई मेरे को वीडियो देना, एक ही बार बोला, उसके बाद आपने रिप्लाई दिए तो मैं बोल दिया ठीक है भाई जब भी आप फ्री हो। तो उसके बाद में फिर वीडियो आ गई थी अपने आप बिना मांगे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सेटिस्फाइड बहुत बहुत वेरी वेरी और अल्लाह ताला इनको हयात रखे, इनको बदनजरी से बचाए, ये आपके घर पे कुर्बानी हो यही हमारी दुआ है। आगे चल के भी 6 महीने के बाद में ईद के जाने के टाइम पे अपन बताएंगे कि भाई क्या है कैसा है स्ट्रक्चर क्या नहीं है ये बकरे। तो हम लोग मिडल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई आगे चल के भी बताना है बकरे। तो ऐसे ऐसे सब बकरे जो कस्टमर आते हैं अगर वो एग्री होते हैं तो हम लोगों को फीडबैक ले लेते हैं वीडियो पे, बताना जरूरी है। बकरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत सेटिस्फाइड। थोड़ा बहुत बीच में अनसेटिस्फाइड जैसा लग रहे थे क्या? एक बकरे को लेके बुल को लेके एक्चुअली वो बुल का ये था ना भाई कि सामने वाला बहुत मतलब बोलते ना मशक्कत के साथ बकरा आया था, वो बकरा वो था बहुत उससे लिया था मैंने। मतलब वाया 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 जैसा आपको बोला, वहीद भाई को बोला, फिर वो भाई को बोला, उस तरीके से वो बकरा आया था। तो मतलब इसके लिए मैं थोड़ा दिल टूट गया था मेरा कि यार उसको कुछ हो गया तो फिर वो मतलब 1-2 महीना है ना इसने गेनिंग शो नहीं किया था, नहीं किया बीच में। लेकिन उसके बाद में उसने 2 महीने का कवर कर दिया, कवर कर लिया वो एक ही साथ में भाई, एक ही साथ। तो ये एक्चुअली क्या है मालूम क्या? देखो आरिफ भाई कभी कभार है ना बकरे गेन होते कभी नहीं होते, मैं वेट की गारंटी इसीलिए नहीं लेता हूँ। रीजन क्या है क्या कभी आज वेट गेन नहीं हुआ ये महीना अगले महीने कवर कर ले अगले महीने नहीं हुआ। कुछ बकरे ऐसे आते हैं क्या लाइन से कवर वेट बताते जाते और इन द एंड ईद के टाइम पे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो टाइम पे स्टक हो जाता है। तो वो वैसे एक्सपेक्टेशन में कुछ मैं आज तक आपको नहीं बोला कि फैजल भाई मेरे को ये वेट इसको ये वेट पे चाहिए या बकरे भाई कुर्बानी के है अल्लाह ताला हयाती दे कुर्बानी तक चाहे वेट करे ना करे, बस बकरे आके दरवाजे पे बन जाए कुर्बानी हो जाए वही मेरे को हुआ। इसीलिए आरके गोट फार्म का एक नया स्लोगन है अभी कि नियत आपकी मेहनत हमारी। जी जी, तो नियत आपकी अच्छी है मेहनत हमारी और अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। भाई मैं किसी को वो तो नहीं करूंगा बट हाँ मैं एक चीज ये बोलूंगा कि भाई अगर इनकेस आपको आरके का रिजल्ट देखना है ना भाई ज्यादा नहीं एक बकरा लाके छोड़ो, अपने आप बकरे बढ़े आएंगे सामने। नई बकरा लाके छोड़ रहे ना तो प्लीज एक टाइम जो इधर है हाँ विजिट करो देखो। मैं तो बोलता मेरे बकरे अपने समझ के आके देखो जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं तो ये बहुत कम लोग इजाजत देते हैं ऐसा बकरे की। मैं तो आपको भी बोल रहा हूँ कोई भी बंदा आए ना भाई बोले यंकी दिखाओ अर्तगुल दिखाओ या बुल दिखाओ भाई बेफिक्र लोगों में शौक बढ़ना चाहिए, बिना पूछे मेरे से आप खोल के दिखा दो जी। इंटरव्यू चाहिए इंटरव्यू उनको खड़ा रह के दिला दो भाई, मैं तो ये बोलूँ जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत एकदम ये समझो कि भाई ये सब आपके बकरे हैं। मैं तो फिर भी अल्लाह माफ करे भाई आपसे भी माफी चाहता हूँ, इतना रिक्वेस्ट किए भाई आप 7-8 महीने में फर्स्ट टाइम मेरे को फैसल भाई 4 बार मेरे को इनविटेशन दिए बट आज जाके मैं इधर आया हूँ 7-8। रीजन क्या है ना देखो आरिफ भाई आपका बकरा जब यहाँ पर है तो एक कस्टमर ऑलमोस्ट इंडिया में अवेलेबल है जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर इधर आए अपना बकरा देके हमारे में जो कोताही रह गई है या हमारे नजर से कोई चूक हो गई है तो वो आप आके बता सकते हैं। भाई मेरे को तो कुछ चूक नहीं है भाई। तो भी कभी इसके पहले भी आप आए थे रात में लेकिन तो वो टाइम पे लाइट नहीं थी हाँ, वो टाइम पे मैं चले गया था जल्दी और इसके बाद में अभी भी आप दिन में आए हैं
तो हमारे आदमियों ने कोई नहीं, ये नहीं भाई, नहीं भाई, मतलब बहुत बहुत रिस्पेक्ट भाई, अच्छा लगा मेरे को। हर बंदा यहाँ पे एकदम बहुत अपने जैसा है भाई, आए दरवाजा खोले ये भी नहीं पूछे भाई आप कौन हो, सीधा मैं गाड़ी अंदर की आके उधर बैठ गया भाई, पानी ला के दे, बोले मैं पानी पियो, फैजल भाई नमाज पढ़ गया, बोला ठीक है भाई मैं, इतना अच्छा है मतलब, कुछ इधर पे ऑब्जेक्शन किसी का। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। अभी सेकंड वीडियो बनेंगी अपनी जो खस्सियों की, तो उसमें थोड़ा देखते क्या रिजल्ट है, क्या हम लोग खस्सियों में फेल हो चुके हैं, क्या लोगों की सोच है कि सिर्फ आरके गोटपा मंडू में ही स्पेशलिस्ट है या खस्सियों में भी काम कर सकते हैं, तो आगे वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।